क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। माय वन हिट किल सिस्टर के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं सीधा वीडियो। तो एक और मिशन करके ये लोग वापस आ रहे होते हैं और जो माया और किलमारिया होती है दोनों अपना क्रेडिट ले रही होती है, लेकिन जो असाही होता है वो भी अपना लेवल बढ़ा चुका होता है और वह होता है लेवल 20 का। उसको नई एक और स्किल मिल गई होती है जो की होती है लाइट मैजिक लेवल 1 की, और जो किलमारिया होती है सारी चीजों को एक्सप्लेन करने लगती है। उतने में जो एक बुल होता है वो तेजी से बढ़ता हुआ इन लोगों के साइड आने लगता है और असाही चाहता है कि वो उसको हराए। वो अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो लाइट होती है वो बहुत ही तेजी से जलती है और सारे के सारे लोग ब्लाइंड जैसे हो जाते हैं और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। ये एक्चुअली जो लाइट मैजिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट ही होती है, जिसको देखकर असाही जो होता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन ये दोनों लड़कियां जो होती हैं उसको थोड़ा सा कंफर्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, समझाने की कोशिश कर रही होती हैं। जो भी जानवर इन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं किलमारिया के प्रेजेंस से ही सारे के सारे भाग जाते हैं। डार्क क्राइसिस की गिल्ड में ये लोग पहुंच जाते हैं। वहां से दो लोग आते हैं डराने की कोशिश कर रहे होते हैं असाही को, लेकिन किलमारिया और माया दोनों अपनी लात मारती हैं और उन्हें अंदर भेज देती हैं। फिर जो तानिया होती है वो बताती है कि ये जो कुछ क्लैंस हैं वो क्रिमिनल क्लैन हैं और वो फॉल्स रैंक लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये जो एडवेंचर सिस्टम है उसको खराब कर रहे हैं। तो ये सारे लोग खराब लोग हैं और इन लोगों को इन्हें हराना होगा। तो असाही को ये टारगेट मिलता है करने का। दो ऐसे क्लैन की लिस्ट दी जाती है इन लोगों को और इन लोगों को जाना होता है। तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं डार्क क्राइसिस में, उसके बाद जाना होता है ओवरडोज में। डार्क क्राइसिस में जाते हैं और जितने देर में सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, जो किलमारिया और माया होती है वो सारी चीजों सारे लोगों को हरा चुकी होती है और बचता है इनका सिर्फ लीडर। जो इनका लीडर होता है वो भी और क्लास का होता है, असाई भी और क्लास का होता है, तो वो इसको चैलेंज कर देता है। असाई उसको बोल रहा होता है कि तेरे पास जब तू और क्लास का है तो इतना सही है फाइटिंग में, तो तू क्राइम क्यों कमिट कर रहा है, तुझे लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए। और वो बोलता है कि जितना भी प्रॉफिट है वो गिल्ड ले लेता है और हमको कुछ भी नहीं मिलता, हम उनके कुत्ते की तरह ही है बस। उतने में इलेक्ट्रिक थंडर वो मारता है, लेकिन इनको फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि किलमारिया और माया दोनों एक्टिवेट हो जाती है। उतने में ही देखने को मिलता है जो सोफी होती है वो आ जाती है, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले आती है ताकि वो लोग ये फाइटिंग देख सके। और असाई को समझ में आता नहीं है कि अब वो करे क्या। उतने में वो जो इंसान होता है वो अटैक करता है, असाई उसे डॉज करता है, लेकिन वो जो दूसरा इंसान होता है उसकी तलवार उतने में टूट जाती है और देखने को मिलता है असाई उसको बहुत इजीली हरा देता है, जिसको देख के सोफी बहुत प्राउड होती है, लोग बहुत प्राउड होते हैं और माया इसको असिस्ट करती है और इसे गले लगा लेती है। उतने में ही देखने को मिलता है दूसरा वाला गिल्ड जहां पे अटैक हुआ होता है, वहां पे एक जो लड़की होती है वो अपने कुछ लाइटिंग वाला अटैक मारती है और उतने में जो उनका लीडर होता है वो आ जाता है, वो उस पर अटैक मारता है। दूसरी लड़की आती है उसको डिफेंड कर देती है, वो लीडर को हरा देती है देखते ही देखते, और ये दूसरे पावरफुल लोग होते हैं। और वो जो लड़की होती है अपनी मेट से पूछती है आखिर दूसरे वाले क्लैन का ख्याल कौन रख रहा है, तो वो बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम है असाही, उसने उसको हैंडल कर रखा है। और ये समझ जाती है कि वो एक प्रोडजी है जिसने बहुत तेजी से रैंक को अपनी ग्रो करवाया है, इवन इससे भी तेज, तो ये उससे लड़ना चाहती है ताकि ये वेरीफाई कर सके कि वो चीट नहीं कर रहा है। उतने में देखने को मिलता है असाही को बहुत ही अच्छे से लोग फूड सर्व कर रहे होते हैं, खिलाते पिलाते हैं, लेकिन वो लोग इसको फंसा देते हैं क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि ये जाए और ऑर्क से साथ फाइट करे। और उतने में देखने को मिलता है कि माया यहाँ होती नहीं है, ऑर्क जो अटैक कर देता है इसको समझ में नहीं आ रहा होता है करे क्या। अब ये जाके उसके सामने खड़ा तो हो जाता है, वो बदला लेने आता है बाकी तीनों ऑर्क का जिनको इन लोगों ने हराया था। वो इसके ऊपर अटैक करता है, जाके पेड़ पे अटक जाता है। उतने में वो जो लड़की होती है और मेड होती है वो लोग आते हैं, वो लोग इन लोगों को हरा देते हैं और वो अपना नाम बताती है ग्लोरिया, और वो ये भी बोल रही होती है कि मैं अपने कॉन्फिडेंट हूँ अपने तलवारबाजी में। जो वो ऑर्क होता है उसको बीच में से फाड़ देती है और हरा देती है, लेकिन वो सीधे इसके पास आती है और कहती है कि तू बहुत ही बेकार है, तूने चीट करके और क्लास पहुंचा है, तेरे मूवमेंट देख के हमें पता चलता है कि तू बहुत ज्यादा वीक है और तू किसी काम का नहीं है, इसलिए तू कन्फेस कर। उतने में एक बच्ची होती है, वो उठा के पत्थर इनके ऊपर मारने लगती है और कहती है जो हमारा हीरो है वो झूठा नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। वो चैलेंज कर देती है असाई को फाइट के लिए और असाई भी तैयार होता है, लेकिन उतने में ही जो मेड होती है उसको प्रेजेंस फील हो जाती है और वो तुरंत अपनी वो जो लड़की होती है उसको लेकर टैकल करके पीछे खींच देती है, और बीच में देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा सा गड्ढा। अब उन लोगों को लगता है कि ये अटैक किया गया है असाही के द्वारा और उसने अपने ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रखा था, लेकिन पीछे से माया जो होती है वो अटैक करती है। अब देखने को मिलता है जो उसके अंदर के कपड़े हैं वो निकल जाते हैं बाहर, और जो उससे वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो इसको चैलेंज करने वाली होती है ट्रू स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पूरे एरिना में, और सारे के सारे लोग उसको चेक करने वाले होते हैं। कुछ दिनों बाद ये वाला जो इवेंट होता है वो शुरू हो जाता है। ये परेशान होता है कि आखिर कैसे हराएगा, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो होती है कोलम क्लास की और वो बहुत ही पावरफुल होती है। इनके जो पैम्पलेट होते हैं चारों तरफ छप के बढ़ जाते हैं। अब इसको लड़ना होता है उस लड़की से। जितने भी इसके जानने वाले होते हैं सारे के सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं एरिना में ये फाइट देखने के लिए। सारे के सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। किलमारिया और माया दोनों जो
असिस्ट करने वाली होती है, लेकिन जो इनकी मेड होती है वो पीछे से आ जाती है और कॉशन रखती है। फिर वो जो लड़की होती है वो असाई के ऊपर अटैक करने लगती है, असाई बस डॉज कर पाता है और किसी तरह डॉज करता रहता है, वहाँ पूरा धूल धड़का हो जाता है। किलमारी जो होती है वो परेशान हो जाती है असाई को लेके, वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो जो मेड होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है और किलमारी बोलती है बस एक ह्यूमन मेरे को इंटेंट कर सकता है किल करने का, ऐसा नहीं हो सकता। वो मारना ही वाली होती है उस मेड को, उतने में ही माया जो होती है उसे रोक देती है। जो ग्लोरिया होती है वो अटैक कर देती है असाई के ऊपर, लेकिन असाई जो होता है वो अभी एक भी अटैक नहीं करता है, वो इसके बहुत ही करीब आती है लेकिन वो तुरंत पीछे हट जाती है क्योंकि उसको लगता है कि असाई दोबारा से वो अटैक कर देगा जो उसने पहले किया था। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है और उसको डिफीट करना चाहती है, वो अपना अटैक मारती है, लेकिन असाई जो होता है अपना लाइट का इस्तेमाल करता है, उसको कुछ भी दिखता नहीं है और वो अपनी तलवार को सीधे उसके गले पे लगाता है और कहता है ये ड्यूल जो है वो खत्म हो गया है, जिसको देख के सारे लोग वहां के इंप्रेस हो जाते हैं, काफी ज्यादा मजा आता है उन लोगों को। और वो लड़की पूछती है कि तूने आखिर मेरे ऊपर क्यों अटैक नहीं किया, तो असाई इस पर बोलता है क्योंकि मैं एक लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। जिसको सुनकर जो ग्लोरिया होती है वो इससे इंप्रेस हो जाती है, वो अपनी डिफीट को एडमिट करती है और वो शर्मा के वहां से भागने लगती है और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, यार एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग था। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को दो नए पार्टनर मिलने वाले हैं ग्लोरिया और उसकी मेट के रूप में, और ये लोग बहुत ही पावरफुल हैं। तो इसी के साथ खत्म जाता है ये वाला एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।